जबरदस्त है यार, मुझे पड़ता है पूरा जंगल था, मेरे को चोट भी लगी, आपको दिखाता हूं। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो भाई साहब, आज जैसा कि मैं सुबह सुबह, संडे है तो ऑफिस आज बंद है, तो फिलहाल मैं आज सुबह सुबह घूमने एक अलग सी लोकेशन पे आया हूँ, जबरदस्त लोकेशन। लास्ट टाइम आई थिंक आया था इधर से, बट इधर से होके मैं जा रहा हूँ, तो एक अलग लोकेशन पे जाने वाला हूँ, तो आपको भी लेके चलता हूँ घूमने के लिए कि मतलब वसई में और बेस्ट लोकेशन कौन सी है, उधर पे आपको लेके चलूंगा, मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। तो फिलहाल अभी मैं घर से निकल गया हूँ, स्केटिंग पहन लिया हूँ, आप देख सकते हो। संडे ऑफिस बंद है, मजे करेंगे। अब जैसा कि लास्ट टाइम मैं आया था तो ये लोकेशन पे आया था, बट इधर से मैंने स्केट सीख के थोड़ा लर्न करके और घूम के चला गया था, तो अभी इस टाइम मैं इस जगह पे तो आ चुका हूँ, बट ये जगह से मैं आगे भी जाने वाला हूँ, काफी दूर जाने वाला हूँ। बहुत से जबरदस्त है यार, आपको दिखाता हूँ। सन भी आ चुका है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, और जबरदस्त है यार, मजा आने वाला है। और थोड़ा ठंडी भी पड़ रही है, लोग स्वेटर वगैरह पहने, बट मैं चलेगा। एक भैया मिले मेरे को, उन्होंने उनको मैंने बोला कि मेरा वीडियो शूट कर दो, तो फिलहाल शूट कर रहे हैं। चलाया, मज़ा आया, अच्छा लगा, कुछ और सीखा, थोड़ा बहुत मतलब स्पीड बनाना सीखा ये सब। तो फिलहाल भैया का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा वीडियो बनाया, थैंक यू भाई। छोटा बाबू ये मस्त, देखो जॉगिंग पे निकला यार, तुम लोग घर पे क्या कर रहे हो, निकलो बाहर, देख रहे हो छोटा बाबू घूम रहे, अच्छा खासा मजे ले रहा है इन्वायरमेंट के। इधर से निकलते आगे की साइड चलते, देखते अब चलते चलते मैं कुछ इस लोकेशन पे पहुंचा हूं, जो कि जबरदस्त लोकेशन है, बट मेरी लग गई एक्चुअली। चढ़ने के लिए ना ये पुल टाइप है थोड़ा, आप देख सकते हो, तो इधर चढ़ने में ना काफ़ी ऊंचा था, रुकते व्यू जबरदस्त है, आप देख सकते हो, वाओ जबरदस्त है यार, मज़ा आने वाला है, चलते। तो जैसा कि ब्रिज से उतरते टाइम तो भाई मेरी लग गई थी, सामने से एक ट्रक आ रही थी और मेरे को ब्रेक तो इतना कंट्रोल स्पीड जो था ना, सच बोलूं वो जबरदस्त था, बहुत यार चल रहा हूँ घूम पे, तो मज़ा आने वाला है यार। व्यू देखो, कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत चालू है इधर पे, किसी को मतलब ज़मीन वगैरह लेना रहेगा तो इधर आ सकता है, एक बार आओ घूम के जाओ, विजिट करके जाओ, तगड़ा है। मैं भी ये साइड आया हूँ एक दो बार, बट अभी बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, अच्छा खासा बन गया सब, रोड वगैरह बहुत यार जबरदस्त है यार, बहुत तगड़ा है, मतलब एक टाइम पे जंगल था पूरा, तो वैसे ईस्ट में पड़ता है पूरा जंगल था, लेकिन अब के टाइम पे इतना जोरों में इधर कंस्ट्रक्शन चालू है कि पूछो ही मत भाई, बहुत तगड़ा डेवलपमेंट तो बहुत आगे मुंबई में। तो चलाते चलाते काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं, अभी देखता हूँ आगे चलता हूँ थोड़ा और, फिर उधर से रिटर्न होकर फिर मैं घर पर ही जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी दूर आ चुका हूँ, करीबन 4-5 किलोमीटर तो हो गया रहेगा, 3-4 किलोमीटर हो गया रहेगा, तो मुझे 4 किलोमीटर वापस भी जाना है, 4 × 2 = 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो भाई साहब आगे की साइड जाने के लिए रोड इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, तो सोच रहा हूँ इधर से वापस हो लूँ, तो देखते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे तो सीधा बाइक उठाएंगे घर पे जाएंगे। देख रहे हो पीछे कुत्ता पड़ गया साला, दोस्त बनो यार, क्यों दुश्मनी कर रहे हो, खराब हो जाएगा, मैं मजबूर का चिल्ला रहा है, मतलब उसके जैसे गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। फिलहाल आपको तो पता है उन लोग का एरिया भाई खतरनाक होता है, खुद का एरिया होता है, तो इधर से भी निकलते आगे, रोड इतना अच्छा है नहीं, यहाँ से निकलेंगे सीधा घर पे, और उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक संडे निकलने वाले, थोड़ा अलग लोकेशन पे, जबरदस्त लोकेशन रहेगा। पीछे ओ भाई पीछे पड़ चुके हैं, तो फिलहाल अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो भाई साहब जैसा कि मैं यहाँ पे सीखते सीखते काफी दूर मतलब घूमते आ गया, आपको दिखाया लोकेशन कैसा है, तगड़ा है, मजा आया, मेरे कुछ दोस्त लोग मिले, मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो भाई ने बोला कि भाई थोड़ा दिखाओ कैसा है, ये लोग शायद वीडियो बनाने वाले हैं। मैं निकलूंगा सीधा वेंड्रे लेक, गुजरात वाले हाईवे पे उधर जाऊंगा, देखता हूँ थोड़ा, फिलहाल निकलते हैं चलते हैं गाइस। तो भाई जैसा कि मैं उधर से चल के आ चुका हूँ, अभी बैग वगैरह ले चुका हूँ, आप देख सकते हैं बैग वगैरह लिया, अभी घर पे निकल रहा हूँ, फिलहाल काफ़ी टाइम हो गया मुझे इधर से निकलना, एक नया प्लान है मेरा, मेरे को जहाँ जाना है तो वहाँ पे देखना है, मेरे को जाना ही पड़ेगा, तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं अभी। चटू अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना गलत है, सेफ्टी पूरा है ना, बस हेलमेट लेके आना चाहिए, भूल गया हेलमेट। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं ऊपर ब्रिज से निकल उतर रहा था, तो आगे जस्ट ब्रेकर था सीधा नीचे,
और अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो ऊपर उड़ जाता सीधा ब्रेकर से उस पर। बट ब्रेक लगाते थे मैंने ऐसा गिरा ना, दो बार सच बोल रहा हूँ गंदा वाला गिरा हो। मेरे को चोट भी लगी, आपको दिखाता हूँ, तगड़ा वाला लगी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आई डोंट नो। हाँ यार, तो मेरे को इधर चोट भी लग गई, थोड़ा ब्लड आना स्टार्ट हो गया। बट इतना सेफ्टी किट का हालत देखो, जो गिरा हूँ ना मैं, खतरनाक। अभी फिलहाल मैं घर पे जा रहा हूँ, मजा आया आज का जैसा भी ब्लॉग रहा हो कमेंट में बताओ मुझे, और क्या सीखना चाहिए स्केटिंग में और बाहर निकलने के लिए आप ही बताओ गाइस। आ चुके हैं, कोई नहीं चलेगा, निकलते हैं भाई इधर से, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।